रानी सांतला मंदिर में आज सर्च अभियान चला गया, क्या कुछ इसमें बरामद हुई है, क्या पूरा मामला है जी? ये मौका पे हम मंदिर में ही खड़े हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ कोई तोता रखा हुआ है जी। तो जब हम तोते को देखने के लिए हमारे साथी फतेहबाद से आए तो उन्होंने बताया भी एक पैंथर की खाल भी है। तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन जब हमारे डिविजनल ऑफिसर को दी तो डिवीज़न ऑफिस से हमारे इशार का स्टाफ सिरसा का सारे स्टाफ को कहा सर्च करने के लिए। तो एक कमरा है जिसमें बाबा जी का कुछ सामान रखा हुआ है, उस कमरे को हमने सीज कर दिया है। तो हम एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाएंगे और उसके को बाद में खोलेंगे। तो मौका पे हमें एक तेंदुआ की खाल मिली है, कुछ मलुष्का शंख मिले हैं जो हमें डाउट है कि इनलीगल आर्टिकल हैं जी। और एक तेंदुआ की खाल है जो इनलीगल है ही, एक जिंदा तोता है वो इनलीगल है जी। तो ये सारे ले लिए हमने और ये इसमें जांच में आएगा भी ये रखे किसने जी। तो बाबा जी खुद ले गए हैं या किसी थर्ड पर्सन ने दिए हैं, इसका जिम्मेवार कौन जी? तो आगे की क्या कार्रवाई इसमें आगे? बिल्कुल इनलीगल आर्टिकल अगर ये मिलती हैं इनको फॉरेंसिक लैब में देहरादून भेजा जाएगा और वहाँ से फॉरेंसिक लैब में जाँच होने के बाद अगर ये इनलीगल पाई गई जी जो भी जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत पर्चा दर्ज करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में केस दायर किया जाएगा, एनवायरमेंट कोर्ट में। ठीक है, थैंक यू।